दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सरकार में एक और अहम जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मनीष सिसोदिया को लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया फिलहाल राज्य के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तो संभाल ही रहे हैं और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के पास अब कुल 11 मंत्रालय हो गए। बाकी सभी मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से इस विभाग की जिम्मेदारी लेकर सिसोदिया को सौंपी गई है। वहीं नए आदेश के मुताबिक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पीडब्ल्यूडी विभाग का अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अब उनके पास कुल 11 विभाग हो गए हैं, जिसमें शिक्षा, वित्तीय, प्लानिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विस, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शामिल है। वहीं सत्येंद्र जैन के पास अब 7 विभाग हैं, जिसमें स्वास्थ्य, उद्योग, पावर, होम, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल और वाटर विभाग हैं। फिलहाल केजरीवाल कैबिनेट में नए बदलाव के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कद और बढ़ा है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया केजरीवाल कैबिनेट में सबसे ज्यादा विभाग वाले मंत्री बन गए हैं और साथ ही ज्यादातर सरकार के अहम विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही हैं। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।